सिखों के चौथे गुरु श्री गुरुदास जी का प्रकाश उत्सव स्टेशन रोड स्थित मुख्य गुरुद्वारे में 12 बजे गुरु पर्व के रूप में पूरे धूमधाम से मनाया गया। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर गुरुद्वारे में माथा टेका और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु पर्व के मद्देनजर 2 दिन पूर्व ही मुख्य गुरुद्वारे में अखंड पाठ रखा गया था, जिसका आज समापन किया गया। इसके उपरांत स्थानीय कीर्तन पार्टी द्वारा लगातार सबद कीर्तन का दौर चला। इसके उपरांत लंगर का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं इस मौके पर गिरहिड़ी के विधायक सुखदेव कुमार सोनू ने भी गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेका तथा सबद कीर्तन का आनंद उठाया। इस मौके पर गुरु सिंह सभा गिरहिड़ी के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया ने कहा कि गिरहिड़ी में भी यह गुरु पर्व पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यही हमारे गुरु रामदास जी हैं, जिन्होंने प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर अमृतसर में सरोवर का निर्माण करवाया था, जहां आज भी बड़ी संख्या में जाकर श्रद्धालु माथा टेकते हैं तथा वहां पर उनकी गहरी आस्था बनी हुई है। इस अवसर पर डॉक्टर मोगिया ने तमाम गिरहिड़ी वासियों को बधाई दी। इस पूरे गुरु पर्व को सफल बनाने में गुरु सिंह सभा गिरहिड़ी के प्रधान गुणवंत सिंह के अलावा सचिव नरेंद्र सिंह शमी, डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, सरदार देवेंद्र सिंह, सरदार कुंवरजीत सिंह, सरदार त्रिलोचन सिंह सलूजा, सरदार चरणजीत सिंह सलूजा, सरदार परमजीत सिंह दुआ, सरदार भूपेंद्र सिंह दुआ, सरदार राजेंद्र सिंह चावला, सरदार राजेंद्र सिंह सहित सिख समुदाय के गणमान्य लोगों का सराहनीय योगदान रहा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज बड़े ही प्यार श्रद्धा भावना के साथ हमारे गिरिडीह की सारी संगत श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व का आनंद ले रही है, इसकी खुशियां मान रही है। बड़े ही उत्साह के साथ आज सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे अखंड पाठ और अन्य पाठ सब होने के बाद फिर जिस तरह से यहाँ पर गुरु कीर्तन और गुरुवाणी विचार और सारे कार्यक्रम होते हैं, वो सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। ये हमारे चौथे गुरु श्री गुरु रामदास साहब, जिनका प्रकाश 1534 ईस्वी को हुआ और 1574 ईस्वी में ये हमारे चौथे गुरु में प्रकाशित हुए और इनके रहते इन्होंने अमृतसर का निर्माण करवाया। अमृतसर का सरोवर और भी अन्य बड़े बड़े सरोवर, उस समय में सरोवर की बहुत महत्ता थी, आज भी उस सरोवर की इतनी महत्ता है। लोग धार्मिक भावना से आज भी जब भी जो भी अमृतसर जाते हैं वो इसका आनंद और इसकी भावना या इसका जो प्रभाव है वो वहाँ जा के समझ पाते हैं। ये अमृतसर गुरु रामदास जी का ही बताया हुआ शहर है और इन्होंने ही गुरु पंथ को आगे बढ़ाया और आज हम लोग उसी खुशी में पर उनका प्रकाश पर्व मना रहे हैं। सारी संगत को इनवाइट करता हूँ, आएँ प्रकाश पर्व का आनंद उठाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।